अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनुस, और आज जो क्लास मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आई ड्रॉपर टूल के मुतालिक। आई ड्रॉपर टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, तो इस क्लास को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी वीडियो के राइट बॉटम पर आ रहा होगा सब्सक्राइब, जस्ट क्लिक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था लेयर्स के बारे में, तो आज मैं आई ड्रॉपर टूल के मतलब समझाने जा रहा हूँ। आई ड्रॉपर टूल आई से बना है। आई मतलब कि जो है ना आँख, आँख मीन्स के जो चीज़ देख रही है, जो चीज़ कलर महसूस कर रही है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों के सामने नज़र आ रही होती हैं ज़मीन पे या कुछ भी, वो सब डिफरेंट कलर्स के मिक्सचर से बनी हुई नज़र आ रही होती हैं। जिस कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वो कलर हमें नज़र आ रहा होता है। तो आई ड्रॉपर टूल का ये मकसद है। फर्ज़ करिए मैंने आई ड्रॉपर सेलेक्ट कर लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये कलर सेलेक्ट करूँ तो ये कलर मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये नीचे वाला कलर हमारे पास सेलेक्ट होगा, और अदरवाइज़ अगर मैं विदाउट ऑल प्रेस किए करूँगा, ये इधर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो जस्ट हमारे फोरग्राउंड पे वो कलर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फोरग्राउंड पे इसने कलर सेलेक्ट कर लिया है, और इस कलर को मैं यूटिलाइज़ भी कर सकता हूँ। फर्स्ट करें मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ और ब्रश टूल पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। वो मेरी मर्ज़ी है कि मैंने कैसे चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। कंट्रोल आल्ट जी मैं करता हूँ, तो यही चीज़ है आई ड्रॉपर में कि आई ड्रॉपर में दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैं करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके तो ये जो है ना नीचे वाला कलर हमारे पास सेलेक्ट करेगा। जैसे कि मैं ये ब्लू वाला कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। अभी हमारे पास एवरेज में 100 पे हो, 1x1 पे हुई है। मैं ज़्यादातर लोग पॉइंट सैंपल यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कलर आपको देता है। जैसा कि ये डार्क कलर है, इसने डार्क कलर दे दिया, जो भी चीज़ होगी वो एग्जैक्ट कलर पॉइंट सैंपल आपको देगा, पॉइंट सैंपल आपको एग्जैक्ट कलर देगा। जो जो आप फर्ज करेंगे 3x3 एवरेज पे करेंगे, 5x5 एवरेज पे करेंगे, ये आसपास के पिक्सल्स को मिला के कलर एक आपके सामने रख देगा। लेकिन एग्जैक्ट कलर आपको चाहिए तो आपने पॉइंट सैंपल पे काम करना है, मैं आपको यही कहूँगा। तो आई ड्रॉपर टूल जस्ट इस तरह चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ होता है। उसके अलावा आप आई ड्रॉपर को और भी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप शिफ्ट प्रेस करके डिफरेंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट मैंने प्रेस कर लिया है और ये मैं सेलेक्ट कर लिया एरिया, ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ये कलर सेलेक्ट कर लिया, ये कलर सेलेक्ट कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं चार कलर्स मेरे सामने आ गए आरजीबी के थ्रू आ रहे हैं। अगर मैं इनको चेंज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने इसको आरजीबी रखा है, इस वजह से ये मुझे आरजीबी में दे रहा है। अगर मैं इसको और सीएमआईके में रखूँगा तो सीएमआईके में मुझे कलर्स बताने शुरू हो जाएगा इस कलर की इंटेंसिटी सीएमआईके में क्या है। तो इन चीज़ों को अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ को ओपन करके देखेंगे कलर्स की ओर, तो ये इसके सामने सब ऑप्शन आ रही होती है कि आरजीबी में कौन सा कलर है। तो इसको मैं आरजीबी कर लेता हूँ। तो ये जो ही मैं ये लिखूँगा, मैं इसके इधर मैं लिखता हूँ 242 ग्रीन में लिखता हूँ 229 बी में लिखता हूँ 98। तो ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वन हमने लिखा और ये एग्जैक्ट कलर इसने वही दिया जो कि हमने फर्स्ट पे ये वाला रखा हुआ है। अदरवाइज़ आप विदाउट इसके, विदाउट आई ड्रॉपर के आप कोई भी कलर की इंटेंसिटी या कोई भी कलर के एग्जैक्टनेस नहीं बयान कर सकते। तो इस वजह से आपको ज़रूरी है कि आई ड्रॉपर टूल यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। उसके अलावा अगर आपने फ़र्ज़ करें ये कलर सेलेक्ट कर लिया है तो जस्ट आप कुछ भी कलर इस पर कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। जो चीज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे कलर वो आप आराम से कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट जी मैं करूँगा, आई ड्रॉपर में आपके पास एक और ऑप्शन आ रही होती है जो कि
आप आई ड्रॉपर जब सेलेक्ट करते हो, फर्ज करो आपने आई ड्रॉपर सेलेक्ट कर लिया है, तो राइट क्लिक जस्ट आप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी कि आपने को HTML कोड चाहिए या जो है आपके पास दूसरा कोड चाहिए, जो कि हमारे भाई वेब डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये चीज़ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसका HTML कोड मैं कॉपी कर सकता हूँ डायरेक्टली, और उसको जाके CSS या HTML में उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ ताकि हम लोगों को कोई चीज़ बार बार चीज़ों को करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से ये चीज़ भी बहुत अच्छी ऑप्शन है कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट HTML कोड कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ भी मैंने जाके पेस्ट करना हुआ मैं उसको कर लूँगा तो वो HTML कोड पेस्ट हो। फर्ज़ करें कि मैं इधर पेस्ट करता हूँ तो ये देखें कोड आ गया, जस्ट मैंने उधर से कॉपी किया था, जस्ट मैंने इधर से ये वाला एक कॉपी कर लेता हूँ, यही कोड अगर मैं जो है ना किसी भी जगह जाके इसको पेस्ट करना चाहूँ ये कर सकता हूँ, तो ये बहुत ही। उसके अलावा आपके पास जब आप आई ड्रॉपर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये वाली भी ऑप्शन आ रही होती हैं, ज़्यादातर जो काम होता है वो करंट लेयर पे होता है, जिस तरह ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, करंट का मतलब ये होता है कि आप जो है ना जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ होता है, तो ये जो शिफ्ट प्रेस करके मैंने आपको ये तीन चार सेलेक्ट करके दिखाए, इसको मैं RG कर लेता हूँ, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये सिर्फ चार कलर्स को सैंपल्स करके आपके सामने रखेगा, जैसा कि मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ, जब मैं चार के बाद 1 2 3 4 चार के बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करने लगूँगा तो ये कहेगा, ये हमारे पास ऑप्शन दे देगा कि चार से ज़्यादा आप कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये एक इसमें एग्जैक्ट पॉइंट है, तो चार चार से ज़्यादा आपने कलर्स चार से ज़्यादा आपने कलर्स सेलेक्ट नहीं करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आई ड्रॉपर टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है, मैं इसको स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और अपने बैकग्राउंड वाली ये लेयर ओपन कर लेता हूँ और फिर स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ, तो फर्स्ट करें ये कोई भी कलर हमारे पास गूगल में है, कोई भी इमेज है या कोई भी चीज़ है, उसको उसका कलर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट कलर उसका क्या है, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट आई ड्रॉपर पर सेलेक्ट करना है और ऑल्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करना है माउस का, ये लेफ़्ट क्लिक मैंने कर लिया माउस का और इसको मैं ड्रैग करके बाहर ले जाऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं ये कलर इसने चेंज करना शुरू कर दिया है, ऑल्ट प्रेस करके जैसे आपको समझाया कि नीचे वाला कलर चेंज होगा, तो फर्ज़ करें मैं चाहता हूँ ये वाला कलर मुझे पता लगे, ये कलर सेलेक्ट किया तो ये कलर हमारे सामने आ गया, अदरवाइज़ नीचे चले जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइड पे भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ये वाला कलर मैं चाह रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करूँगा ऑल्ट प्रेस करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इस जगह पे आके सेलेक्ट कर दूँगा, ये कलर हमारे सामने आ जाएगा, तो ये चीज़ थी। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इधर ले आता हूँ, तो ये हमारे पास ये कलर इसने सेलेक्ट करके दे देना है कि आप कौन सा कलर चाह रहे हो, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इधर लाके क्लिक करूँगा तो ये वाला कलर देखें इसने दे दिया है, जिसमें हमें वो बता रहा है कि आपके पास आर इतना है, जी इतना है और दूसरी चीज़ इतनी है, तो ये चीज़ थी सिंपल सी टेक्निक्स कि आपने चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, बहुत सिंपल सी टूल है आई ड्रॉपर टूल, इसको आप किसी तरह भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अप्रिसिएशन के लिए अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में वो भी आप कर सकते हैं, मैं इसी तरह लाते रहूँगा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स, एडोब इलस्ट्रेटर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, एडोब फोटोशॉप अभी कवर कर रहे हैं, आस्ता आस्ता सारे सॉफ्टवेयर्स को हम प्रोफेशनली देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जो आदमी उसको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।